हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है आईफोन 5S जो कि डेड है। फ्रेंड, कस्टमर ने बोला है कि उसके हाथ से ये फ़ोन गिर गया था, तभी से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो ये 2-3 दिन से बंद पड़ा है। तो आज कस्टमर लेके आया है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं पावर चार्जर लगा रहा हूँ, उसके अंदर कोई भी लोगो में इसमें चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये फ़ोन ऑन नहीं है। मैंने पावर बटन से प्रेस किया है, फ़ोन नहीं ऑन हो रहा। चार्जिंग से तो होना ही चाहिए, लेकिन चार्जिंग से ही फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है। देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आईफोन आता है डेड, तो आपको क्या करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए पहले इस फ़ोन को मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड, इसके दो कारण भी हो सकते हैं। नॉर्मली बताऊँ स्टार्टिंग के छोटे स्टेप जो इसमें होते हैं, वह एक तो है डिस्प्ले, और डिस्प्ले हो सकती है ख़राब हो। ठीक है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है, अगर हमारा फ़ोन ऑन हो कि डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे क्या होता है ना, गिरने के बाद फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो हम सबसे पहले इसके डिस्प्ले चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले तो कहीं ख़राब नहीं हो गई है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी बैटरी कनेक्टर चेक कर रहा हूँ, हिला तो नहीं है। फ्रेंड, बैटरी कनेक्टर तो नहीं हिला हुआ है, बिल्कुल ओके है। मैं फिर भी चार्जिंग पर लगा रहा हूँ, तो फ़ोन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं इसकी डिस्प्ले निकाल दूँगा, मैं अब दूसरी डिस्प्ले चेक करूँगा। ठीक है, मैंने अब इसके डिस्प्ले के पत्ते निकाल देता हूँ, इंक निकाल दिए मैंने, याद देता हूँ। अब इसमें दूसरी 5S की डिस्प्ले पड़ी है फ्रेंड, मैं उसको लाके इसमें चेक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इसका टच कनेक्टर लगा लेंगे, उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर लगा लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी आपके पास आईफोन आता है डेड, आप घबराइए मत, ना ही किसी को फ़ोन दीजिए, किसी मैकेनिक को, आप ही खुद कर सकते हो। बस छोटे से सिंपल से स्टेप हैं, बस आपको नॉर्मली फ़ोन खोलना है और एक टू बैक स्टेप इसको चेक करना है। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन चेक करते हैं ना फ्रेंड, वैसे ही इसको भी चेक करना होता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने डिस्प्ले लगा दी है इसके अंदर, फिर भी फ्रेंड कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो मतलब डिस्प्ले वो सही है, मतलब हमारे कोई उसका कोई और ही इशू है। तो हम अगले स्टेप पर चलेंगे। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप होगा कि मैं चार्जिंग का जो पत्ता होता है ना फ्रेंड, उसको निकाल के दोबारा सेट करूँगा। क्या पता वो भी हिल सकता है, इसलिए मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ। ये चार्जिंग का पत्ता है, तो इसलिए मैंने इसको, डाउट था कि कहीं निकला हो, इसलिए मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया, अब बैटरी कनेक्टर लगा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं दोबारा से इसकी वही डिस्प्ले इनकी चेक कर रहा हूँ, कहीं चार्जिंग पत्ता ना हिला हो, इससे फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने इसमें डिस्प्ले कनेक्टर लगा दिया है, अब मैं चेक करूँगा इसको। ये हमारा कनेक्टर लग गया, अब बैटरी कनेक्टर लग गया। अब देखिए मैं इसमें चार्जिंग लगाता हूँ, देखते हैं कि ऑन होता है नहीं। देखिए फ्रेंड, अभी भी कोई ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, ना कोई रिस्पॉन्स दिया, इसलिए फ्रेंड चार्जर पत्ता एकदम सही है, इसमें दिक्कत कोई और है। तो चलिए फ्रेंड, हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। हमारा तीसरा स्टेप होगा बैटरी, कहीं बैटरी पूरी डिस्चार्ज तो नहीं है, कहीं बैटरी ही डेड पड़ी हो। तो फ्रेंड, आप बोर्ड पर शक करने से पहले आप बैटरी भी चेक कर लीजिए। हमने डिस्प्ले चेक कर ली, चार्जिंग पत्ता चेक कर लिया, अब हमारा थर्ड स्टेप है बैटरी। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको बैटरी के ऊपर वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी में वोल्टेज है या नहीं। ठीक है, देखिए मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करना है, 20 वोल्ट पर। उसके बाद आपको बैटरी पर, जैसे हम एंड्रॉयड की बैटरी चेक करते हैं, वैसे ये भी करनी है। इसमें भी फ्रेंड प्लस माइनस होता है, आप प्लस को प्लस पे रखिए, माइनस को माइनस पे रखिए। ठीक है, मैं इसको प्लस रखता हूँ, इसका माइनस करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई है, तो मतलब ये बैटरी ही डेड पड़ी हुई है। हम प्रोडक्ट बदल के भी देख लेंगे। देखिए मैंने प्रोडक्ट बदल भी लिया है, फिर भी फ्रेंड कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम बैटरी पर शक करेंगे कि बैटरी ही हमारी डेड है, इसी वजह से फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, इसके लिए बैटरी चार्ज करने के लिए मशीन आती है, छोटी सी झटका मशीन जिसे कहते हैं, हम उससे भी इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, यह मैम झटका मशीन, ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए अब इसको हम झटका देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये प्लस को प्लस लगाना है, माइनस को माइनस लगाना है। फ्रेंड, जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी पे झटका देते हैं ना प्लस माइनस में, वैसे ही हम आईफोन की बैटरी को भी इससे चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी बैटरी डेड, हम बैटरी चेंज कर दें, ऐसा भी नहीं, आप इससे चार्ज कर सकते हो। और फ्रेंड याद रखिए, आप अगर झटका मशीन पे देते हो बैटरी को, तो एक मिनट तक ही कम से कम दीजिए। अगर आप ज़्यादा देर तक दोगे, दो तीन मिनट, तो फ्रेंड बैटरी ख़राब हो जाएगी, फूल जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए आप
एक मिनट तक ही इसमें झटका दीजिए। फ्रेंड इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है ये। हमारा थर्ड स्टेप यही रहेगा, अगर इससे भी नहीं ऑन हुआ तो फ्रेंड हम उसको आगे का इशू समझेंगे, वो भी बोर्ड का, सिर्फ बोर्ड में ही दिक्कत होगी। तो फ्रेंड इसको ज़्यादा देर तक मत चार्ज कीजिएगा, आप अपने माइंड से ठंडे दिमाग से काम करिए इस काम में, क्योंकि फ्रेंड ये फ़ोन महंगे आते हैं, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप इसको बड़े आराम से करिए। फ्रेंड मेरे को अब शक है कि मतलब इतना हो गया कि हाँ बैटरी चार्ज हो चुकी है, अब मैं इसका वोल्टेज चेक कर लूँगा, ठीक है। प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे, मैंने प्लस माइनस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, और देखिए फ्रेंड इसमें 3.7 तक वोल्ट आना चाहिए, 3.11 आ गया है, तो मतलब ये बैटरी में अब करंट है। अब इसको चेक कर लेंगे कि बैटरी को चार्ज करने के बाद भी फ़ोन में कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, फ़ोन ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। मैं अब ये डिस्प्ले वापस लगा देता हूँ, उसके अंदर पहले टच कनेक्टर लगा देंगे, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर लगा देंगे, ठीक है। हमने लगा दिया, ये लग गया हमारा, अब ये बैटरी लगा दी मैंने, बैटरी कनेक्टर लगा दिया, अब इसको चेक करेंगे। तो मैं पहले से चेक कर लेता हूँ फ्रेंड, देखिए इसमें कुछ हलचल सी हुई है, कुछ दिखा है, शायद डिस्प्ले का पत्ता इसमें सही से नहीं बैठा है, मैं दोबारा बैठा दूंगा इसको। फ्रेंड्स अगर आप कभी आईफोन को डिसेंबल या असेंबल करते हो तो जो इनके पत्ते होते हैं फ्रेंड उनको सही बिठाना, गलत बिठाओगे तो डिस्प्ले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि फ्रेंड डिस्प्ले ख़राब हो गई हो, वो पत्ते का ही इशू होता है, आप पत्ते ढंग से लगाओगे तो डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है। अब मैंने दोबारा लगा दिया पत्ते, चार्जिंग कनेक्टर दोबारा लगा दिया, अब मैं इस पर चार्जिंग लगाऊंगा। अब देखिए मैं पहले इसको देखता हूँ ऑन करके, तो फ्रेंड देखिए इसमें कुछ रिस्पॉन्स मिला है, ये फ़ोन ऑन हो गया है। देखिए इसमें चार्जिंग का लोगो दिखाई दे रहा है, केबल मांग रहा है कि चार्जर प्लीज़ टू चार्जर केबल कनेक्टेड। अब देखिए मैं कनेक्ट चार्जिंग केबल कनेक्ट करता हूँ, और देखिए ये देखिए फ्रेंड इसमें चार्जिंग का लोगो आ गया, ठीक है फ्रेंड, ये बीच में आ रहा है चार्जिंग का लोगो, तो इसका मतलब कि फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ रहा है, अब ये फ़ोन चार्ज हो रहा है, जिससे कि फ़ोन ये प्रॉपरली 100% ओके हो चुका है। तो फ्रेंड आप इसी तरह से किसी भी डेड आईफोन को नॉर्मली ऑन कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने पहले क्या किया, पहले हमने डिस्प्ले चेक करी, फिर बैटरी, फिर हमने चार्जर का पत्ता जो है वो चेक किया, उसके बाद हमने बैटरी चेक करी, तो हमारा इशू उसमें बैटरी का ही निकला, तो हमने बैटरी चार्ज की और देखिए फ़ोन ऑन हो गया। तो अब इसको हम चार्जिंग बुला कर छोड़ देंगे, अब ये ओके है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कीजिए, ठीक है, अब ये फ़ोन ओके है, थैंक यू फ्रेंड।